आई एम गजानंद वर्मा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्लास टेंथ एनसीईआरटी का एट्थ चैप्टर, क्या नाइन्थ सम। क्या गिवन है? इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए एट बी, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3, हमने करना है 1 पार्ट 1 में साइन ए कोस सी एंड प्लस कोस ए साइन सी, सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये सब करने से पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल इंडिया मैथ 365 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। देखिए हम ये सब कैसे करते हैं। क्या है हमें? हमें गिवन है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या है? 1/√3। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद भाई हरर बोले से टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एंगल ए से परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए से परपेंडिकुलर जो एंगल ए के बिल्कुल सामने वाली लेंथ होगी वो क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट ए से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? बीसी। क्या होगा? बीसी। और बेस क्या हो गए? जो एंगल ए के बिल्कुल साथ लगने वाली लेंथ होगी वो क्या होगी? बेस ए बी। हमारे को क्या पता लग गया? हमें ये पता लग गया कि बीसी की जो वैल्यू है वो क्या है? बीसी की जो वैल्यू है वो है 1 है, और जो ए बी की वैल्यू है वो क्या है? वो है √3। अब हम क्या करेंगे? हमने फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, एंड सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। हम क्या करेंगे? साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो पुट करनी है पुट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट वी हैव बी सी इज इक्वल टू 1k एंड ए बी इज इक्वल टू √3k, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। अब क्या करेंगे? हम यूज करेंगे कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस एसी है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस हमारे पास एबी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, बी सी का स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3 के का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी क्या है हमारे पास? के 1k का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा ए सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? √3k का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1k स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए सी का स्क्वायर होगा हमारे पास 4k स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी? √4k स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास? √4 इंटू में √k स्क्वायर, k स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और √4 उसकी वैल्यू क्या होगी? ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2k आ जाएगा, 2k।
एसी की वैल्यू हमारे पास 2k आ चुकी है, हमारे पास क्या है एबी हमारे पास रूट 3k है, बीसी की वैल्यू क्या है वो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए के लिए क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले से साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंगल ए है हमारे पास तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, उस केस में हमारे पास एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास बीसी, बीसी बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आएगा ए सी। बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीसी की वैल्यू है हमारे पास 1k बाय में एसी, एसी है हमारे पास 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन सी फाइंड आउट करेंगे। साइन सी क्या होगा हमारे पास, जब एंगल सी होगा तो उस केस में जो एंगल सी के बिल्कुल सामने होगा परपेंडिकुलर होगा हमारा, एंगल सी के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, साइन सी इज इक्वल टू होगा ए बी परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। हमारे पास क्या आएगा ए बी क्या आएगा रूट 3k बाय में ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आएगी 2k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन सी क्या आएगा हमारे पास रूट 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस सी के लिए क्या होगा, कोस सी के लिए होगा हमारे पास, कोस के लिए क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस कोस सी के लिए। अब एंगल क्या है सी है, सी के जो बिल्कुल सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, बेस क्या होगा बी सी होगा, क्या होगा बी सी बाय में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा हाइपोटेनियस ए सी होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा कोस सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, बी सी क्या है 1k बाय में हाइपोटेनियस ए सी, ए सी क्या है 2k, क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा, कोस सी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोस सी आ गया, अब हम कोस ए फाइंड आउट करेंगे। कोस ए के लिए क्या करेंगे, कोस ए एंगल ए कह रहा है, अब कोस ए, कोस ए के लिए क्या होगा हमारे पास, कोस ए के लिए होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बेस क्या है हमारे पास कोस ए, जब एंगल ए की बात हो रही है तो बेस क्या होगा हमारे पास ए बी, क्या होगा ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। कोस ए इज इक्वल टू होगा ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू है हमारे पास क्या है रूट 3k बाय में ए सी, ए सी क्या होगा 2k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3/2। अब हमने क्या कर लिया है, हमने कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब बस हमने क्या करना है, पुट करना है और हमारा आंसर सॉल्व। कैसे पुट आउट करेंगे वो देखो, अब क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, क्या होगा कोस ए साइन सी। साइन ए क्या है मेरे पास, साइन ए है मेरे पास, साइन ए की वैल्यू है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में क्या है, इंटू में है कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू है रूट 3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू रूट 3/2, ये क्या आपस में मल्टीप्लाई में है, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4,
एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 4 4 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस ए की वैल्यू है हमारे पास रूट 3/2 इंटू में कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या है, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 इंटू में साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 3/2। क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 3/4 माइनस रूट 3/4। एलसीएम ले क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा 4, रूट 3 माइनस रूट 3 क्या होगा 0/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सेकंड का जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल एंड जो बेल वाले बटन है उसे जरूर दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।